जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वांड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये मैं कर रही हूँ दीपेश सावंत के बारे में, और उसका मेन रीजन ये है कि दीपेश सावंत उन चार लोगों में से एक है जो सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर हुआ तो उसी घर में मौजूद था, और उसने ये कहा था कि 10:30 बजे हमारी बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से। तो यहाँ पे ये जानना है कि कब वो पकड़ा जाएगा, कब सीबीआई उसे पकड़ेगी, क्योंकि क्लियर है कि ही इज इन्वॉल्व इन दिस केस। तो देखते हैं कि कब वो पकड़ा जाएगा संदीप, और जो और भी लोग हैं वो सब भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व लगते हैं। तो सबसे पहले लेकिन जो मेन जो है वो दीपेश सावंत ही है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि दीपेश सावंत को कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो मेन मेन पर्सन है जो यहाँ पे डाउटफुल है। लेट्स सी। ओके, सो वी गॉट दिस कार्ड। Please tell me when will Dipesh Sawant be arrested by the police, by the CBI. Please tell me when will CBI arrest Dipesh Sawant in the murder case of SSR. Okay. Significant card आया है, एक मैसेज। One final card please. Okay. तो यहाँ पे हमें कुछ कार्ड्स दिखे हैं, और सुशांत के मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से एक मेन जो है वो है दीपेश सावंत, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब पकड़ा जाएगा दीपेश सावंत, कब पुलिस उसे पकड़ेगी, कब सीबीआई उसे पकड़ेगी, और कब उसकी गिरफ्तारी होगी। ओके, अभी तक तो ये लग रहा है कि वो अभी तक अपनी बातें इस तरीके से बोल रहा है कि उसको पकड़े जाना का सिचुएशन तक पहुंच ही नहीं पा रही है पुलिस, क्योंकि वो अपनी बातों को अपने बयान को बोल दे रहा है। आप ये देखिए ये वाला कार्ड जो है, यहाँ पे एक पर्सन है जो एक तरीके से हैंग कर रहा है, इस पेड़ पे कुछ बांध रहा है, तो ये रस्सी हो सकती है और ये बांध रहा है। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, और यहाँ पे फिर से एक पर्सन जो आया है ये ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि कुछ भी बोल देता है। तो ये यहाँ पे इसकी जो बातें हैं अबाउट द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जो सुशांत सिंह राजपूत को जो स्ट्रैंगुलेट किया गया, तो उसके बारे में ये अभी बातें क्लियरली नहीं बता रहा है। तो एक क्लियर मैसेज अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है सीबीआई वालों को, लेकिन हमें ये जानना है कि क्या ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो इसका है डेफिनेटली। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इसको काफी फाइनेंशियल गेन हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, इसको फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली हुआ है। प्लीज टेल मी इज ही गोइंग टू गेट अरेस्टेड, प्लीज गिव मी क्लैरिटी ऑन दिस। टू मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स प्लीज, टू मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स, वन मोर कार्ड एंड टू। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ दो कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स आया है और साथ में फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप देखें तो ये काफी लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। सुशांत को जो मारा गया है ये कहीं ना कहीं उसको भी दिखाता है कि किस तरीके से सुशांत को मारा गया है, और लगातार यहाँ पे देखिए दो कार्ड ऐसे आए हैं जो जैसे किसी को मार रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो इस वाले कार्ड में कुछ लोग हैं जो इसे पीट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मरा नहीं है, ये दो लोग हैं जो मार रहे हैं इसको, सुशांत को दो लोग हैं, वेपन्स भी हैं साथ में, मार रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जिंदा है। लेकिन अगर नेक्स्ट में देखें तो मान लीजिए ये जो पर्सन है जो सुशांत को मार रहा है, यहाँ पे ये उसको सुशांत को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है। अगर आप इस पेड़ को देखें कि इट्स ऑल एनर्जी, यहाँ पे जो पेड़ है एक तरह से ये एनर्जी है, एक लिविंग थिंग में काउंट होता है। तो यहाँ पे अगर ये माने कि सुशांत का थ्रोट है और सुशांत को ये स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, तो यहाँ दीपेश सावंत का रोल है क्लियर। यहाँ पे दीपेश सावंत का रोल बहुत क्लियर लग रहा है, इन्वॉल्वमेंट है सुशांत को मारने में, जैसे यहाँ मार रहे हैं और फिर स्ट्रैंगुलेट करने में, तो मुझे यहाँ पे क्लियर लग रहा है। और यहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है बातों बातों में सीबीआई को ऐसी कोई बात ये बोल दे जिससे इस पे शक पूरा पूरा हो जाए, तो यहाँ पे इसकी गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और जो भी ये लोग हैं, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि सीबीआई इसको पकड़े और इसके बाद इसके बेसिस पे बाकियों को भी पकड़ ले, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसी बात बता देगा दीपेश सावंत जो है, इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी, ऐसा कुछ एक्शन ये करेगा जिसकी वजह से ये तो पकड़ा जाएगा, इसके साथ साथ जो और भी हैं वो भी खिंचते हुए आएंगे इसके साथ साथ। आप देखिए जैसे कि ये पर्सन है यहाँ पे, तो इसके पास मान लीजिए सीबीआई ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये अगर दीपेश सावंत जो है ये एनर्जी मानते हैं यहाँ आ रहा है, तो ये देख रहा है बाकी लोगों की तरफ, और ये फिर ये जो ट्रैप है
ये जो क्राउन है मान लीजिए ये ट्रैप है, तो ये जब ये देख रहा है इनकी तरफ तो ये ट्रैप इन सबके ऊपर भी जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि इसकी कोई ऐसी बात है जिस वजह से सारे के सारे पकड़े जाएंगे और सबके सबको जेल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि कुछ ना कुछ बात है जो ये छुपा रहा है। और यहाँ पे देखिए दोनों ही मर्डर से कनेक्टेड है, यहाँ पे मारा है पहले सुशांत को, देखिए जिस तरीके से मारा गया है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैंगुलेट किया गया है। तो ये चीजें हैं, रहस्य हैं, बातें हैं जो ये बहुत अच्छे से जानता है, और ये डेफिनेटली सामने आएंगी। यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी के भी बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे एक पर्सन है जिसके सर पे, अगर आप देखें यहाँ पे देखिए जिसे सर पे कुछ, यहाँ पे कुछ हो रखा है। और जब सुशांत की डेथ हुई थी उसके बाद ये काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सिद्धार्थ पिठानी के सर पे चोट लगी हुई है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी हो सकता है ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है, और ये सबसे पहले मुझे लगता है दीपेश सावंत को ही पकड़ेगी पुलिस, और ये कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी लोग थे जिन्होंने सुशांत को मारा है वो भी, ये पहले खुद आएगा, इसके बाद बाकियों को भी ये ट्रैप किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे दीपेश सावंत को पकड़ेगी सीबीआई। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फायर है बहुत सारी, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट भी इसका होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है यहाँ पे, और जिससे कि पुलिस को, सीबीआई को इस पे क्लियर शक होगा। यहाँ पे आप देखें इसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, आप इस पर्सन के कपड़े देखें अगर यहाँ पे देखिए तो, इसके यहाँ खजाने की चाबी है इसके पास, कहाँ से आया ये पैसा, पैसा भी इसको फंसाएगा, कुछ ना कुछ है इसके पास फाइनेंशियल ऐसे जो यहाँ पे ये फंसेगा और इसका जो करा हुआ है वो सामने आएगा। तो डेफिनेटली दीपेश सावंत जो है वो सबसे पहले यहाँ पकड़ा जाएगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो कोई ऐसी बात कह देगा, कोई ऐसा एक्शन वो ले लेगा या ले चुका है जिसकी वजह से सीबीआई के रडार पे रहेगा और वो पकड़ा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पूरा चीजें की गई हैं वो बताई जाएंगी। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है दीपेश सावंत के कि वो पकड़ा जाए, और उसके बाद जो बाकी चार लोग और हैं, चार पांच लोग कम से कम हैं, वो सब पकड़े जाएंगे एक के बाद एक। तो लेट्स होप कि ऐसा ही हो। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया, एंड यू कैन जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम, और उनका नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, आप उन्हें कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ यू वॉन्ट अ पर्सनलाइज रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।